Assalamu alaikum class 3, how are you all? कल हमने रीडिंग की थी फल सबसे अच्छे रीडर में से. आज हम इसी का काम करेंगे. पहले मुझे ये बताइए कि आपने कल वाला काम किया था. मैंने आपसे कहा था कि किसी पेज पर या किसी कॉपी पर कर लें, क्योंकि कॉपीज हमारे पास है, तो जब तक कॉपीज आपको रिटर्न करेंगे वापस मिलेंगे तो आप उसमें करें. ये काम भी आपने ऐसे ही करना है आज, ठीक है? कोई भी रफ पेज ले लें या कोई पुरानी कॉपी ले लें, उसमें नोट कर लें. नहीं तो फिर अगर नहीं करना तो फिर जब दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी आप दोबारा उसमें से वीडियो में से देख लें, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास है आज भाई. सबसे पहला रफ है जंक फूड, इसका मतलब कम मिसाइलेट वाला खाना. Mute on. पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा छुपाई पे काम. कम वसाइलेट वाला खाना, यू पर हमजा है, छोटी टोड़े लिखी है, ठीक है? उसके बाद नाफिस खराब, नाफिस का मतलब खराब. वजन जिस्म, इसमें हमने पढ़ा था ना कि जो फल है वो सबसे अच्छे होते हैं. कल की रीडिंग सबको याद होगी, जिन जिन बच्चों ने रीडिंग की थी. मैंने कहा था जो रहते हैं वो खुद से रीडिंग कर लें कि फल खाने से हमारे जिस्म को ताकत मिलती है. इससे पहले हमने सेब और पापड़ वाले चैप्टर में भी यही पढ़ा था कि जो बाजार की चीजें हैं वो हमें बीमार कर देती हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं जैसे फल सब्जियां, ये हमें बहुत ज्यादा ताकत देती है, पावर देती है, ठीक है? तो ये भी उससे मिलता जुलता ही है कि फल सबसे अच्छे. बाजार की चीजें जैसे पकौड़े, ये वो, इसमें हमने बर्गर रोल इसके बारे में पढ़ा था कि ये सब हमें बीमार कर देते हैं, लेकिन फल हमारे जिस्म को बहुत ताकत देते हैं, ठीक है? इसके बाद जुमले हैं, फल घर सफाई बाजार नाकिस, ये आपने इसके जुमले खुद बना लिए. और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ऑन वर्डिंग में अपने लिहाज में खुद से लिखें, ठीक है? ये जो चैप्टर में हम जो पढ़ते हैं यही जुमले नहीं होने चाहिए, आपकी और शैली में होने चाहिए, अपने पास में होने चाहिए. इसके बाद सवाल लिखे, सवाल नंबर एक है जंक फूड का क्या मतलब है. जंक फूड का क्या मतलब है? जंक फूड का मतलब है कम गजाइयत वाला नाकिस खाना, कम गजाइयत वाला खराब खाना. कम गजाइयत का मतलब क्या है? कम गजाइयत का मतलब यह है कि जिसमें हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो हमें बढ़ने में, बड़ा होने में, सेहतमंद होने में, ताकत देने में मदद करते हैं, वो उसमें पार्टिकल कम से कम हो. कम गजाइयत इसको कहते हैं, ठीक है? जिसमें हमारी बॉडी को नुकसान देने वाली, हमारे जिस्म को नुकसान देने वाली चीजें ज्यादा हो और हमारे लिए गजाइयत जो हमारे लिए फायदा मंद है वो कम.
फल खाने के, अगला सवाल है फल खाने से क्या फायदे हैं? नंबर वन, फल खाने से सेहत अच्छी होती है। नंबर दो, इंसान बीमारियों से बच जाते हैं। नंबर तीन, हम बीमार होने से बच जाते हैं या हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। फल खाने के क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं? फायदे होते हैं फायदे की, फायदा की जमा, फायदा फायदे फवायद तीनों एक की तरह के लफ्ज है, ठीक है। वाहिद होता है फायदा, फायदे जमा, और उसका फवायद अगर हो तो वो भी उसकी उसी की फायदा की ही जमा होती है, इसका भी वही मतलब है, ठीक है। फल खाने के क्या फायदे है? नंबर वन, फल खाने से सेहत अच्छी होती है, इंसान बीमारियों से बच जाते हैं, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, ठीक है। यही हमने सेब और पापड़ में पढ़ा था, तो हमें इस हम जब बार बार एक ही चीज पढ़ते हैं, एक ही चीज देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वाकई जरूरी चीज है। फल खाना वाकई सेहत के लिए अच्छा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे केला नहीं पसंद, कुछ कहते हैं मुझे मैंगो नहीं पसंद, कुछ कहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जितने भी फल बनाए हैं वो एक बार जरूर खाने चाहिए। अगर नहीं भी पसंद तो थोड़ा सा फिर भी खाना चाहिए, इससे एक तो अल्लाह ताला खुश होते हैं, दूसरा हमें हमारे अपने लिए हमारे लिए फायदा मंद है, ठीक है। आखिरी सवाल है, सेब और पापड़ में भी हमने ये पढ़ा था कि बाजार की खाने चीजें खाने का क्या नुकसान है, इसमें भी हम यही पढ़ रहे हैं। तो जो उसमें हमने आंसर लिखा था बाजार की चीजें खाने से हम बीमार हो जाते हैं, तो इसका भी आंसर वही होगा, क्योंकि दोनों का सेम मतलब है दोनों का, उसमें भी बाजार की चीजें, इसमें भी बाजार की चीजें।
ठीक है जी, आज का आपका काम बस इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे और मैं आपको जो थर्सडे को आपका टेस्ट है, याद है आप लोगों को टेस्ट है आप लोगों का थर्सडे को, तो उसकी मैं थोड़ी सी आपसे रिवीजन करवाऊंगी और उसके बारे में थोड़ा सा पूछूंगी। ठीक है, चीजें अल्लाह मियां ने दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए पैदा की हैं। ये अल्लाह मियां की आयात हैं। आयात क्या? आयात का मतलब है निशानियां। राइट, बस करें बेटे जी। फजैल आगे आप पढ़िए, अनम्यूट करें फजैल। फजैल आगे आप पढ़िए बेटे। इम्तिशाल आप पढ़ लें, इम्तिशाल आप अनम्यूट कर लें। इम्तिशाल बेटे अनम्यूट करें। इम्तिशाल अनम्यूट करें बेटे, रीडिंग स्टार्ट करें। इम्तिशाल अनम्यूट करें बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे जी। जोया आप रीडिंग करें। जोया अनम्यूट करें और रीडिंग स्टार्ट करें। जी जोया, आप
जोया भी अनम्यूट नहीं कर रही और इम्तिशार भी अनम्यूट नहीं कर रहे और टाइम वेस्ट हो रहा है जी। शजिया फातिमा आप पढ़िए बेटे, अनम्यूट करें। शजिया अनम्यूट करें बेटे। शजिया अनम्यूट करें। यहाँ से है कि वहां से पर ही नहीं देखे ना, इंतशाल कर रहे हैं। जोया मैं आपसे कह रही हूँ अनम्यूट करें बेटे। टीचर जी मैं बोलूं? चलिए आप पढ़े जी। जी जोया, जोया आप पढ़े बेटे। जोया ने फिर अनम्यूट म्यूट कर। जी जोया आयात का मतलब है निशानियां। जी शाबाश। सारी दुनिया जो चीज जो चीजें सब वो सब अल्लाह की आयात हैं, यानी अल्लाह की निशानियां। क्या हम भी जानवर, जमीन, पहाड़, दरख्त, समुंदर, सब कुछ जी वेट बेटे, वेट फॉर योर टर्न। जी जोया पढ़िए आप। इस मैंने सुनाने। ओके बेटे जी जोया आगे पढ़िए। अच्छा मैं मिस मुझे अनम्यूट कर रही हूँ पीछे से। ओके बेटे करती हूँ। जी जोया अच्छा मैं जरूर देखूंगा अल्लाह मियां की इस निशानी को। रोज रोज जरूर नहीं, रोज रोज देखूंगा। जी आगे जी अनम, नेक्स्ट पेज अनम। रोजाना रोज आना जा कर गुरु से कैटरपिलर देखता जी। ऐसा हो तितली निकले तो मैं उसे देख पाऊं। जी जोया बस करें। जी इम्तिशाल आप पढ़िए बेटे। जी इम्तिशाल। यस मिस। जी बेटे पढ़िए। ये क्या कहाँ से पढ़े बेटे? मिस कौन से चैप्टर है? कैटरपिलर पेन नंबर 34 इम्तिशाल। 34 जी। इनाम रोजाना जाकर गौर से इनाम कैटरपिलर को देखता कहीं ऐसा ना हो तितली निकले तो मैं उसे देख ना पाऊं। वो दिन में कई कई बार जाकर चुपके से कैटरपिलर को देख आता। एक दिन इसने देखा एक रंग बिरंगी नन्ही मुन्नी सी तितली कैटरपिलर के पास। यस मिस। जी जी पढ़े आप इम्तिशाल। मैं अब्दुल्ला हाथ से कह रही थी कि नेक्स्ट उनकी टर्न है, आप पढ़ते जाएं। जी इफाम, इफाम अच्छा इफाम को सामने करें, उनकी टर्न है। इफाम अच्छा मिस। जी इफाम क्या? इफाम आप आ जाइए। जी सर। जी बेटे आगे आप पढ़िए। जी इफाम पढ़िए, स्टार्ट करें बेटे। इस आगे फॉर्म। हाँ जी आगे पढ़िए।
वो गन बेटे पढ़ गए पढ़ो ये पे यासी इनाम अनम अनम रोजाना जहाँ पर गौर से कैटरपिलर को देखता कहीं ऐसा ना हो तितली निकल तो निकले तो मैं उसे देख ना पाऊँ। वो दिन मैं कई कई बार जाकर चुपके से कैटरपिलर को देखा था। एक दिन उसने देखा एक रंग बिरंगी नन्ही मुन्नी सी तितली कैटरपिलर के पास आ बैठी बैठी उड़ने के लिए पड़तूल रही थी और कैटरपिलर एक गोल की शक्ल में पड़ा है। आहा तितली बाजी भी दौड़ी आई। अरे वाह हेलो मुन्नी तितली अब तुम हमारे बाग में खुशी खुशी उड़ो। हम तुम्हें पकड़ेंगे भी नहीं मारेंगे भी नहीं क्योंकि तुम हमारी दुनिया को खूबसूरत जो बनाती हो। अर्शमान आगे आप पढ़िए अनम्यूट करें। अर्शमान इम्तिशाल आप म्यूट कर लें। इम्तिशाल आप म्यूट कर लें। अर्शमान आप अनम्यूट करें। अर्शमान आप करें बेटे अनम्यूट करें। पैगाम नीचे पैगाम लिखा हुआ है ना ये पढ़िए आप। जी अर्शमान अनम्यूट करें। जी वेरी गुड। टीचर पढ़ना कहाँ से है? पैगाम पैगाम क्या मिला हमें? नहीं टीचर तारों की बारात कौन सा पढ़ना है? मान आपको यही पता चला कैटरपिलर उससे तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। फल सबसे अच्छे उसके कैटरपिलर पेज नंबर 34। अब तो बेटे इस तरह बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप लोगों को पता ही नहीं चलता काम पर पढ़ रहे हैं। जी साथ आप पढ़िए आपको पता चले कहाँ तक पढ़ रहे हैं। साथ मिल गई है पढ़े। जी अर्शमान पढ़े। बाग में अनम ने एक पत्ते पर कुछ देखा। अरे ये पत्ते पर हरी हरी लंबी की क्या चीज चिपकी हुई है? देखा दिखाओ इसे कैटरपिलर कहते हैं। पता है इसकी जाली बनती है। बाजी ने बताया बढ़ता रहेगा और एक दिन इसमें से तितली निकल आएगी। अच्छा हाँ तुम देखना मगर इसे छेड़ना मत। साथ आगे आप पढ़िए बेटे। साथ रिजवान आगे आप पढ़िए। जी बेटा पढ़े। बेटा बुक साथ बेटे बुक नीचे रखिए। बुक नीचे करें साथ बेटे। पेपर पर जी जी पढ़ना शुरू करें आप। टीचर आप मुझे कह रही हैं? दानियाल से कह रही हूँ। दानियाल आप पढ़िए बेटे। दानियाल अनम्यूट करें और आप पढ़े बेटे। जी शाबाश। हाँ तुम देखना मगर इसे छेड़ना मत। इसे यहाँ से उठाकर फेंकना भी नहीं और इसे मारना भी नहीं। ये सब रंग बगनी
चीजें अल्लाह मियां ने दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए पैदा की है। ये अल्लाह ताला अल्लाह मियां की आयत है। आयत का मतलब है निशानियां सारी दुनिया में जो चीजें हैं वो सब अल्लाह की आयत है। वेरी गुड, ठीक है दानियाल, आगे बेटे आगे पढ़िए। अल्लाह की क्या हम भी जानवर जमीन पहाड़ दरख्त समंदर सब कुछ अच्छी मैं अच्छा मैं रोज देखूंगा अल्लाह मियां की इस निशानियां को निशानी। वेरी गुड दानियाल, गुड बॉय जी। समाहा आप पढ़े आगे। समाहा बेटे अनम्यूट करें, समाहा अनम्यूट करें। वेरी गुड समाहा, कितनी प्यारी बेटी। अनम रोजाना जाकर उसे कैटरपिलर को देखता, कहीं ऐसा ना हो तितली निकले तो मैं उसे देख ना पाऊं। वो दिन में कई कई बार जाकर चुपके से कैटरपिलर को देख आता। एक रंग रंगीत नन्ही मुन्नी सी तितली कैटरपिलर के पास आ बैठी उड़ने के लिए पर तोड़ रही है और कैटरपिलर एक होल की शक्ल में बड़ा है। वेरी गुड समाहा, बहुत अच्छी रीडिंग जी। दानिया आगे आप पढ़े। दानिया अनम्यूट करें जी, आप पढ़े। दानिया के बाद छजिया जी, दानिया पढ़े बेटे। ओके टीचर, कौन सा था वो दूसरा सबक जी? आहा तितली शुरू करें बेटे। टीचर कहाँ था? तुझे आप पढ़ने बेटे। तुझे कौन से दानिया आप कौन से देखे हैं? बाजी भी तोड़ी आई। दानिया कौन? हेलो मुन्नी तितली, तुझे आप पढ़े। हेलो मुन्नी तितली, अब तुम हमारे बाग में खुशी खुशी उड़ो, हम तुम्हें पकड़ेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम हमारी दुनिया को खूबसूरत जो बनाती हो। ठीक है ठीक है, आगे पैगाम पढ़े शजिया। कुदरत के कारखाने में कोई चीज भी बेकार नहीं है। कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद हैं। शाबाश, ठीक है। अब आपको पता चला कैटरपिलर क्या है? तितली वो छोटा सा, उसकी जो पहली शक्ल है वो कैटरपिलर होती है, वो थोड़ी बड़ी होती फिर तितली बन जाती है। ठीक है, और आयात का मतलब हमने इसमें क्या पढ़ा? निशानियां। आयात का मतलब निशानियां। साद आप पढ़िए बेटे शुरू से। साद रिजवान शुरू से रीडिंग करें, आप अनम्यूट करें साद। दानिया इसके बाद आपकी टर्न बेटे।
जी साथ पढ़ना शुरू करें, अनम्यूट करें साथ। जी साथ जल्दी करें बेटे। अनम ने चीज चिपकी हुई है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ कैटर कैसे, शाबाश ठीक है साथ, वेरी गुड। इसी से अब आप सब बच्चों ने ना इसकी दोबारा से रीडिंग करनी है, ठीक है। और जो थर्सडे को आपका टेस्ट है उसकी भी आपने अच्छी से तैयारी कर लेनी है। टीचर, आई एम समाहा फातिमा। जी समाहा बताइए।